फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक 2019 की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म, जो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया फिल्म जो आई है 2019 में, आर्टिकल 15 का रिव्यू लेकर आया। आर्टिकल 15 जो एक टॉपिक है, ये भारत के संविधान की से लिया गया है, का जो भारतीय संविधान के जो 395 आर्टिकल है उसमें ये 15 जो आर्टिकल 15 है, ये राइट टू इक्वालिटी है जो सभी नागरिकों को दिया गया है, और ये सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल प्रतिबंधित करता है। कोई भी इंसान किसी भी तरह का कास्ट, क्रीड, जेंडर बेस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। राइट टू इक्वालिटी जो कि भारत का संविधान की सबसे बड़ी मूल भावना है, राइट टू इक्वालिटी, सभी बराबर हैं देश में, ना ब्राह्मण ऊंचा है ना दलित नीचा है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। खुद बाबा साहब ने कहा था ये कि जो राइट टू इक्वालिटी है, अब तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एक धर्म को के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन चलता था, ब्राह्मणों के बनाए हुए ढोंग और पाखंड इस देश में पूरी तरह से वो लागू थे। आज जो 26 जनवरी 1950 से जब ये संविधान लागू हुआ तो सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिए गए हैं। कोई भी इंसान दूसरे नागरिक को कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, राइट। आर्टिकल 15 फिल्म भी इसी के बेस पे है। आर्टिकल 15 जो टाइटल है ये राइट टू इक्वालिटी है जो भारत की उसी पे है, जिसमें मुख्य किरदार में जो हैं आयुष्मान खुराना जो कि यंग आईपीएस ऑफिसर हैं, सौयानी गुप्ता, ईशा तलवार, दिशा नयूर, मनोज पावा और सारे ही मंझे हुए कलाकार। पूरी फिल्म जो भारत में दलितों की स्थिति है, आज़ादी के 72 साल बाद भी उसको पूरा दर्शाती है कि किस तरह से दो लड़कियां, फिल्म में तीन लड़कियां हैं, दो लड़कियां जो उसके ऊपर आवाज़ उठाती हैं कि हमें थोड़ा, हमारी जो डेली वेजेस है, फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियां, तीन लड़कियां हैं जिसमें दो लड़कियां आवाज़ उठाती हैं कि हमें 25 डेली के 25 रुपये से लेके 28 रुपये की जाए, 3 रुपये बढ़ाई जाए। जबकि मिनिमम वेजेस भी तकरीबन इस टाइम 300 से 350 रुपये पूरे देश में। इसके ऊपर उन दोनों लड़कियों का गैंगरेप किया जाता है, जो मालिक है उसकी मेंटेलिटी इस तरह की है कि जो दलित हैं ये बोल कह सकते हैं, और उनको पेड़ पर लटका दिया जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम पुलिस, पॉलिटिशियन वगैरह एक तरह से इस जो अत्याचार है इस पर पूरी तरह से सपोर्ट में ही है। पूरी फिल्म इस तरह से बनती है, जो कि रियलिटी दिखाई है फिल्म में, कि जो 2014 में जो बदायूं केस हुआ था जिसमें कि दो लड़कियां पेड़ से लटकी हुई पाई गई थी, जिसके ऊपर यूएनओ तक ने भारत को खूब लताड़ पिलाई थी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी, 66 साल बाद भी तुम्हारे देश में इस तरह के हाल होते हैं कि दो दलित लड़कियां पेड़ से लटकी हैं। बाद में सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और उसमें बस अपना यही कहा गया कि ये ओलंपिक, सीबीआई इंक्वायरी आप जानते ही हो कि सब कुछ अपना। मामले को ठंडा करने के लिए
तो ये भारत में दलितों की स्थिति है। फिल्म में जो आयुष्मान खुराना है, उन्होंने एक ब्राह्मण है अयान रंजन के नाम से, वो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट बन के आते हैं, कंडक्टर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस है, यंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लालगांव में, तो तब ये केस होता है। तो दलितों की जो स्थिति है, ये पूरी फिल्म उसको पूरी तरह दर्शाती है कि दो मिनिमम वेजेस मांगने वाली लड़की है, पुलिस वाले तो इस केस को अपना रफा दफा करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन यंग आईपीएस ऑफिसर उस पर पूरी खोजबीन करता है, और जब आखिर में जब उस पर निष्कर्ष निकलता है तो बहुत ही शॉकिंग निष्कर्ष होता है कि भारत में क्या पोजीशन है। फिल्म पूरी तरह से रियलिटी पर बेस्ड है, हालांकि डायरेक्टर ने क्लियर लिखा है कि ये फिल्म एक इंस्पायर्ड है इंसिडेंट से जो बदायूं में हुआ था 2014 में, लेकिन ये पूरी तरह उसकी रियलिटी है। लेकिन जिस तरह से इंसिडेंट दिखाई गई है उसमें दलितों का कि जो आज की हालत है, आज भी आज़ादी के 72 साल बाद उनकी जो उनको जो लताड़ पिलाई जाती है कि कास्ट के नाम पे कि तुम दलित हो, तुम्हारी तो औकात यही है, इसको बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। फिल्म में जो सीन दिखाए गए उसमें कि एक बार उसका गटर भर जाता है, आयुष्मान खुराना एडिशनल सुपरिटेंडेंट जो वहाँ थाने का गटर जो उसका जो ऑफिस का गटर भर जाता है, तो उसमें जो गटर के अंदर घुसकर जो अपना जो पूरी तरह से वो जो कीचड़ निकालता है आदमी, उसकी स्थिति को दिखा दे। हालांकि 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग और ये जो गटर में होते हैं इन पर रोक लगाई जाए, लेकिन आज भी बदस्तूर जारी है। और एक बहुत खतरनाक आंकड़े हैं इस मामले में कि भारत में इतने लोग सीमाओं पर नहीं मरते जो इस सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जितने लोग इसमें मरते हैं, हर 5 दिन में एक आदमी गटर में मरता है। तो शॉकिंग रियलिटी है। और एक आप ये भी जानते हैं कि एक दलितों की पर्टिकुलर कास्ट ही इस प्रोफेशन में लगी हुई है अपनी मजबूरी के तहत, क्योंकि तो दलितों का और कोई प्रोफेशन नहीं उसमें लगे हुए, बहुत एक पर्टिकुलर कास्ट। क्या ये आज के जो भारत एक 21वीं सदी में का जो सपना ले रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे, मोदी जो ढोंगी पाखंडी जिन्होंने कहा था कभी कि दलितों को अपना दूसरे का मल वो जो ये सफाई करने में मलमूत्र उठाने में मानसिक अनुभूति होती है स्वच्छता में, अरे तुम करके दिखाओ ना, तुम मोदी तुम खुद करके दिखाओ, तुम और तुम्हारा समाज जो है, तब तुम्हें पता चलेगा मानसिक अनुभूति होती है या कितनी बड़ी प्रताड़ना है। ये दलित होना ही एक तरह का अभिशाप है इस चीज। फिल्म की कहानी इस तरह से ही आगे बढ़ती है, और जो फिल्म में जो दिखाया गया कि किस तरह से दलितों को पीटा जाता है, वहां पे 3 दलितों को पीटा जाता है, ये 2016 में जो गुजरात में इंसिडेंट हुआ था कि वो चमड़ा छील रहे थे और उनको अपना पीटा गया था सरेआम, उसी से इंस्पायर्ड है। तीसरा दलितों को दिखाया जाता है कि अपना के मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनको उस पर पिटाई हुई। तो जो हिंदू धर्म है ना, ये ढोंग और पाखंड का धर्म है, ब्राह्मण कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहता, वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। हिंदू तो वर्ड एक गाली है, हाल गाली है, क्योंकि जो समाज सुधारक कहते हैं स्वामी दयानंद, उन्होंने भी हिंदू नहीं बोला था अपने आप को आर्य समाज ही बोला था। हिंदू जो वर्ड आया 1919 में आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश
तीसरी फिल्म में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं महंत योगी आदित्यनाथ, उनका भी एक वो दिखाया गया कि वो किस तरह से अपना धर्म के नाम पे, ये आरएसएस ने पोलराइज करती है, बेवकूफ बनाती है जो आरएसएस इस देश में ढोंगर पाखंड के नाम से, कि तुम भी दलित, तुम भी हिंदू हो, तुम सब दलित हिंदू एक हो जाओ। अरे तुम उनको हिंदू मानते हो क्या? ढोंगर पाखंड बना के अलावा उसमें फिल्म में दिखाया गया कि वो दलितों घर में खाना खा रहे ढोंगर पाखंड, जबकि खुद वो महंत अपने घर से अपने बर्तन लेके आया। तो ये तो तुम्हारी वो है जो कि पिछले साल ही हुआ था किस्सा, कि जो मोदी ने अपना शुरू किया था कि अप्रैल में के महीने में कि सबके सब अपना दलितों घर में खाना खाए। तुम दलितों का इज्जत कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? तो दलितों की तो बेइज्जती है, ऐसे करते हैं जैसे कि दलित तो इंसान ही नहीं है, उनको ढोंगर पाखंड, उनके वोट के ऊपर पॉलिटिक्स चलती है और बाद में उस पॉलिटिक्स को अपना एक्सप्लॉइट करते हैं। 2019 में भी इस तरह से जीतते हैं, 2019 का तो किस्सा एक अलग है क्योंकि ये ईवीएम की उससे जीतते हैं, लेकिन दलितों को बेवकूफ़ बनाने का और ढोंगर पाखंड करने का इनका ये तरीका है। फिल्म में एक और किरदार दिखाया गया, एक जो भीम आर्मी के वो हैं उनको एक बहुत ही एक रोल में दिखाया गया। उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए कि दलित इसलिए हैं कि अपना ऐसे ही अपना एक्सप्लोइट होते हैं। एक और किस्सा फिल्म में दिखाया गया, रोहित वेमुला के केस, उसको भी एक वो दिखाया गया जिसमें उन्होंने बोला कि रोहित वेमुला जो 2016 के में जिसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो हैदराबाद के वाइस चांसलर थे, पूरा का पूरा हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी थी वो खिलाफ थी कि वो क्यों अपना अम्बेडकर का नाम ले रहा है, जिन्होंने खुद फांसी लगा ली थी। खुद उन्होंने लिखा था अपने जब सुसाइड नोट में कि मेरा जन्म ही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी है, माई बोन इज माई फटल इंसिडेंट। फिल्म में एक जो किरदार हैं मनोज पावा, ब्रह्मदत्त सिंह के नाम से हैं, सर्कल ऑफिसर हैं वो। जब आयुष्मान खुराना उनको अपना FIR लिखने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि अपना ये तो ऐसी हैं, ये तो लड़कियां ऐसी भाग जाती हैं और ये है। और बाद में जब शॉकिंग रिविलेशन होता है कि फिल्म के जो उसमें जिनका गैंग रेप किया गया था उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, जो मनोज पावा सर्कल ऑफिसर ASI जो जाट बरादरी से, और जो उसका जो मालिक होता है, जो जिस फैक्ट्री का मालिक अंशुल पावा, अंशुल आर्य, ये सारे के सारे नहीं। फिल्म जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है, बहुत ही वेल रिसर्च करके बनाई है अनुभव सिन्हा ने। पूरी तरह से फिल्म झकझोर देती है कि क्या हम इस भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस भारत के ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। क्या हम इस भारत के ऊपर विश्व गुरु बन सकते हैं, विश्व इकोनॉमी बन सकते हैं, विश्व टैलेंट बन सकते हैं, जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी नए नए रोड के नौटंकियां करते हैं, क्या इस पे अब वो बन सकते हैं। फिल्म में ब्राह्मण समाज ने अपना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि इसमें उनके करेक्टर को गलत दिखाया गया, जबकि खुद फिल्म का जो मेन करेक्टर है आयुष्मान खुराना वो खुद ब्राह्मण। हाँ, फिल्म में एक और करेक्टर दिखाया गया कि जो मिड डे मील थी योजना जो चल रही है उसमें एक दलित लेडी खाना बनाने लगती है, तो स्कूल के और स्टूडेंट
वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं, जो कि इंस्पायर्ड है उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में ऐसे केसेज हुए हैं कि जो कि रियलिटी से बेस्ड है। पूरी फिल्म रियलिटी के ऊपर है और एक मैं तो ये कहूँगा इस फिल्म को राष्ट्रपति का अवार्ड मिलना चाहिए, 2019 की बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसी फिल्म को मिलना चाहिए। और अनुभव सिन्हा ने जिस तरह से फिल्म को दिखाया गया, एक एक सीन को जिस तरह से वेल रिसर्च करके बनाया गया है, एक बहुत बढ़िया फिल्म है और सभी को देखनी चाहिए। फिल्म एक ये हिट हो चुकी है, पिछले दो हफ्तों में ये फिल्म ने 50 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन पार करके लिया और ये हिट हो गई है। ओवरऑल ये ओवरसीज टेरिटरी में लगा के तकरीबन 70 करोड़ पार कर चुकी है फिल्म। फिल्म का टोटल बजट भी 25 करोड़ था, लेकिन 70 करोड़ पार कर ले तो फिल्म एक ये हिट फिल्म है। तो मैं सभी को कहूँगा कि सभी ये फिल्म को देखें और रिव्यू करें। दलित भी एक इंसान है इस देश के, दलित भी सिटीजन है, वो भी एक उसी तरह से चाहते हैं जैसे कि अमेरिका में ब्लैक्स ने अपना हक पाया। पूरी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन है, वो सही है, तो वो तो पूरी दुनिया में चलता है, उसको किसी तरह जायज नहीं ठहरा जा सकता, लेकिन एक कम तो किया जा सकता है एज ए ह्यूमनिटी बेस्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है इस देश में, इस दुनिया में डेमोक्रेसी है, सभी दुनिया के लगभग सभी देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया और डेमोक्रेसी के बेस पर हुआ है। यहाँ पर देश में दलितों की समस्या दिखाई है और दुनिया में और अलग अलग तरह के देशों में अलग तरह की समस्या है। जापान में जैसे बुराको मीन कम्युनिटी है उसके साथ समस्या है, न्यूजीलैंड में जो माओरी पीपल है उनके साथ समस्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के जो नेटिव जो अबोरिजिनल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स है, अमेरिका में रेडिनियंस की प्रॉब्लम्स है, यूएसए में वहाँ के जो ब्लैक्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, और यूरोप के जो बड़े कंट्रीज है रोमानिया बल्गेरिया वगैरह इनमें तो रोमा पीपल हैं जो इंडिया से ही गए हैं, उनकी अपने डिस्क्रिमिनेशन है। तो फिल्म को एक तरह से उस बेस पे देखा जाए, पूरे दुनिया की एक दुनिया को एक यूनिट मान के चला गया, यही हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत एक इस फिल्म का उत्तम संदेश है। सिर्फ दुनिया में दलित ही एक्सप्लोइट नहीं हो रहे, पूरी दुनिया में एक्सप्लोइटेशन है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जहाँ भी लागू किया गया वहीं पे उन्होंने जो 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 प्रिविलेज सोसाइटी थी उसने उसकी खिलाफत की, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स वाइट ने उसकी खिलाफत की, अमेरिका में खुद ब्लैक्स ने वाइट ने उसकी खिलाफत की जब ये नया हुआ था, अमेरिका में तो एक तरह से जंग भी चल गई थी आपसी में ब्लैक्स और वाइट्स की। तो ये समस्या पूरे दुनिया में एक ह्यूमैनिटी के बेस पे, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको दलितों की इन समस्याओं को अपना देखना चाहिए। तो मैं सिर्फ दलितों को ही नहीं कह रहा, नॉट ओनली दलित, पूरी दुनिया में जो एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी हैं उनकी सभी समस्याओं पे ये फिल्म एक मैसेज के तौर पे है। तो इस वजह से ये जो फिल्म का जो मैसेज है एक बहुत बढ़िया मैसेज है और मैं सभी को कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि जिस तरह से जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो जो आज़ादी थी अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी बनिए ब्राह्मणों को नहीं दी थी, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये इंडियन लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर की दी गई थी, लेकिन पॉलिटिक्स और जो धर्म का जो घालमेल चला इस देश में उन्होंने दलितों को पूरी तरह से एक तरह से वोट बैंक के तौर पर एक तरह से एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी के तौर पर एक्सप्लॉइट होते हुए चलता है। कांग्रेस ने जो कि शुरू से ही अपना इसको लेके चली, महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया, लेकिन उन्होंने उसी के नाम पे उसको कभी उनको पता था कि दलित जो अगर जो ये इस धर्म को छोड़ देंगे तो तुम्हें
कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तुम्हारी जो वो जो पॉपुलेशन है सिर्फ 15% है, 85% तो ये SC ST OBC हैं, जो SC ST OBC हैं, जो इस देश के असली नागरिक हैं। तो फिल्म का जो मैसेज है उसको फिर ये कांग्रेस ने एनकैश कराया, पिछले 50 साल उसने राज किया, बाद में धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड लगा के BJP और RSS ने भी गवर्नमेंट राज किया इस देश में, जो कि अब भी चल रहा है BJP और RSS का। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कम्युनिटी पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जो दलितों की समस्या है इनका सॉल्यूशन किया जाए, दलितों के साथ एक्सप्लोइटेशन ना हो। ये सामाजिक, ये इसका ये मैसेज है इस फिल्म। पूरी तरह दलितों की एक जो रियलिटी है, रियल पोजीशन है, वो इस फिल्म में दर्शाई गई है। फिल्म का करेक्टर आयुष्मान खुराना सबसे उनकी कास्ट पूछता है कि तुम्हारी क्या कास्ट है। ASI है वो, ये कहता है कि मेरी कास्ट अपना जाट है, एक जाटव के नाम से वो जो दलित है वो SI है, मनोज पहवा सर्कल ऑफिसर, वो सर्कल ऑफिसर है, इंस्पेक्टर रैंक के वो इंस्पेक्टर है। लेकिन बाद में जब शॉकिंग इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, उसमें जब पता चलता है कि जो उन दो बच्चियों का बलात्कार किया गया था, दलित बच्चों का, उसमें पुलिस वाले ही, तो देश में एक सिस्टम जो है दलितों को कुचलने के तरह से ही मेंटेलिटी लेकर चलता है। पुलिस भी अपने आप को उस तरह से नहीं लेकर चलती कि ये भी एक इंसान है, ये इनका इनके साथ भी अन्याय होना चाहिए, इनकी भी कोई FIR लिखे जाने चाहिए, इनके साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। बस पुलिस का भी ये काम है कि एक जो प्रिविलेज सोसाइटी वो आके कहेगी कि अपना इनको सबक सिखाओ, इनको इनकी औकात बताओ। क्या दलितों की औकात इस एक्सप्लोइट झेलने की है? भारत का संविधान 72 साल हो गए इस देश में राज लागू हुए, क्या इतना भी उनको हक नहीं देता कि हम भी हमारे साथ इक्वल हैं? ये एक भारत फिल्म के लिए फिल्म का बहुत बड़ा मैसेज है। हालांकि फिल्म में शुरू में ही उन्होंने डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा दिया कि इसको डिस्क्रिमिनेशन लिखा था कि फिल्म उससे इंस्पायर्ड है, लेकिन उसकी रियलिटी नहीं है, जो बदायूं में केस होता देखना चाहिए। लेकिन फिर भी फिल्म पूरी तरह से जो पोजीशन है दलितों की देश में उसको रियलिटी। मैं तो सभी को यही कहूँगा, इस फिल्म को देखें, ज़रूर देखें। जिस तरह की इतनी बढ़िया फिल्में बन सकें देश में, जो कि समाज को उसका आईना दिखा सके, देश को एक तरक्की की राह पर ले जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस देश में, अगर हम उस डिस्क्रिमिनेशन को, हम दलित उसको एक एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस तरह से, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। संविधान का एक तरह से पूरी तरह हनन ही है, वो भी संविधान पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पर। दिक्कत सबसे बड़ी यही हो जाती है कि जब दलित यही सोच के लेते हैं तो हमारे किस, वे भी इंसान हैं, उनको भी इंसानों के जीने का हक दिए जाए। इसके बारे में आपको मालूम होगा, 1960 में जब जॉन कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने एक बहुत उस पर डाइवर्सिटी जो स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, जॉन कैनेडी के टाइम ही स्टार्ट हुई थी, उन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने इस पर वो किया था कि जो ये ब्लैक्स और वाइट्स की जो प्रॉब्लम्स है, ये हम अमेरिकन के बीच में ही हैं और ये हमें ही सॉल्व करना है। तब उन्होंने उसको स्टार्ट किया डाइवर्सिटी को, जिससे कि आज ब्लैक्स हर एक फील्ड में सबसे आगे हैं। और यहाँ तक कि जब भी कभी कोई अवार्ड फंक्शन होता है किसी भी तरह का, फिल्म का या कल्चर का है उसका, तो उसमें जो कमेटी है वो ये भी देखती है कि ब्लैक्स को ब्लैक्स का कितने उन्होंने जीते हैं।
तो पूरी दुनिया में इस पे एक बहुत मूवमेंट चला है। तो मैं तो सभी को यही एडवाइस करूँगा कि जो एक्सप्लोटेशन है, राइट टू इक्वालिटी, हर एक इंसान बराबर है, चाहे उसकी कास्ट है, क्रीड है, कैसी कलर है, कैसे उसका जेंडर है, वो सब बराबर है, उसको इंसानों की तरह देखा जाए। मैं सबको एडवाइस करूँगा इस फिल्म को जरूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।